हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स। स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स। क्लास 11th का बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत फंडामेंटल पार्ट है। और मैकेनिक्स में कई सारे चैप्टर्स आते हैं, उसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा काइनामेटिक्स फर्स्ट। ठीक है, काइनामेटिक्स फर्स्ट। ठीक है, तो काइनामेटिक्स में अपने को क्या पढ़ना है, काइनामेटिक्स होता क्या है, इस चीज को समझते हैं बच्चों। काइनामेटिक्स का मतलब होता है फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग इट्स कॉज, है ना। हमें बस मोशन के बारे में पढ़ना होता है, हम उनसे ये नहीं पूछते कि इसमें जो मोशन हो रहा है उसका कारण क्या है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका रीजन क्या है, बस हम लोग उसके मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उससे कारण नहीं पूछते कि क्यों ये हो रहा है। ठीक है, जनरली मोशन किसके वजह से होता है भाई, फोर्स की वजह से होता है, टॉर्क की वजह से होता है। फोर्स है ना, किसी बॉडी में मोशन को स्टार्ट करता है, टॉर्क किसी बॉडी में मोशन को स्टार्ट करता है। तो अभी हम फोर्स और टॉर्क को कंसिडर नहीं करेंगे जो कि कॉज ऑफ मोशन हुआ करता है। हम विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन यानी फोर्स और वगैरह को इग्नोर किए करके, है ना, उसको विदाउट कंसिडरिंग हम पढ़ने वाले हैं किस चैप्टर में, काइनामेटिक्स में। तो काइनामेटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट नोइंग इट्स कॉज ऑफ मोशन, इट्स कॉज ऑफ मोशन। क्लियर है बच्चों, विदाउट नोइंग इट्स कॉज ऑफ मोशन हम लोग इसके मोशन की स्टडी करते हैं। क्लियर है, ओके बच्चों। नाउ सी कि मैंने जैसा कि आपको बोला, कारण क्या हो सकता है, फोर्स या टॉर्क। ठीक है, वो सब जब हम कंसिडर करेंगे तो यही चीज आपका क्या कहलाएगा, डायनामिक्स। ठीक है, यही चीज क्या कहलाएगा, डायनामिक्स। तो अभी हम लोग काइनामेटिक्स पढ़ रहे हैं, डायनामिक्स अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट नोइंग इट्स कॉज ऑफ मोशन इज नोन एज, है ना, इज नोन एज काइनामेटिक्स। ठीक है बेटा, तो यहां से एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि हमें किसके बारे में स्टडी करना है, मोशन के बारे में स्टडी करना है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, व्हाट इज मोशन। ठीक है, तो मोशन हम बचपन से पढ़ा करते हैं, है ना, मोशन हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, उससे पहले भी छोटी क्लासेस में हमने मोशन को पढ़ा होगा। तो व्हाट इज मोशन, तो मोशन बेसिकली क्या होता है बेटा, जब कोई बॉडी, है ना, किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि बॉडी क्या है, मोशन में है। आ रही बात समझ में, कोई चीज अगर अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है दैट मीन्स कि वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो हाउ कैन वी डिफाइन मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इफ अ बॉडी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजिशन with respect to some reference point, ठीक है, if a body is continuously changing its position with respect to time, with respect to some reference point, then the body is said to be in motion, तब हम कहते हैं कि बॉडी किसमें है, मोशन में। तो मान लो बेटा एक रेफरेंस पॉइंट है ये O, है ना, एक पल कोई बॉडी कहाँ है, यहां पर है। ठीक है, X1 कुछ समय बाद वो कहाँ चला जाता है, यहां चला जाता है। X2 डिस्टेंस पर कुछ समय बाद वो कहाँ चला जाता है, X3 डिस्टेंस पर चला जाता है। तो ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, लगातार बदल रहा है।
ठीक है, ये अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या है, मोशन में है। आ रही बात समझ में बच्चों? ये कहलाएगा कि बॉडी मोशन में है। ओके ठीक है। अच्छा तो दो ही चीज हो सकता है बेटा, या तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, या तो बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। तो जब बॉडी अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि बॉडी हमारी रेस्ट में है। ठीक है, सेकेंड रेस्ट। ठीक है, तो बेटा अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली नहीं चेंज कर रही है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। इफ अ बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सम, इसको क्या बोलते हैं बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू सम रिफरेंस पॉइंट, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। ठीक है, देन द बॉडी सेट टू बी इन रेस्ट। आ रही बात समझ में? तब बॉडी क्या कहलाता है? रेस्ट में कहलाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो भाई अगर बॉडी कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसको मोशन में कहेंगे, और अगर बॉडी कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो वो रेस्ट में रहेगी। लेकिन बच्चों मैं यहां पर हर बार दोनों ही केसेस में, चाहे मोशन हुआ चाहे रेस्ट हुआ, दोनों ही कंडीशन में मैंने क्या बोला, विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो वो रेफरेंस है ना, एक मतलब इसको हम किसी चीज से कंपेयर करके देख रहे हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर करके देखते हैं तो वैसी क्वांटिटी जो है वो रिलेटिव क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है? रिलेटिव क्वांटिटी कहलाती है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो प्रकार की चीजें हो सकती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। मैं इसको बेहतर ढंग से समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि मैं अगर बोलता हूं कि मेरी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेरी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो ये एक एब्सोल्यूट चीज है ना। कोई भी मेरी हाइट नापेगा, कैसे भी नापेगा, तो मेरी हाइट 160 सेंटीमीटर है, इस फैक्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एक लड़का है राम नाम का, ठीक है, वो 165 सेंटीमीटर का है, ठीक है, वो 165 सेंटीमीटर का है, तो वो 165 सेंटीमीटर उसका एब्सोल्यूट हाइट है ना, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि वो राम मेरे से 5 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, वो राम मेरे से 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये एक रिलेटिव क्वांटिटी हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू मी है, हिज हाइट इज हायर देन मी है ना 5 सेंटीमीटर, तो ये एक रिलेटिव क्वांटिटी हुआ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो हर किसी से 5 सेंटीमीटर लंबा है ना, पूरी दुनिया में हर आदमी से वो 5 सेंटीमीटर लंबा है क्या? किसी से वो 3 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, किसी से वो छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव चीज है। तो जब हम किसी चीज से कंपेयर करके देखते हैं तो उसको कहते हैं रिलेटिव चीजें, और जब हम उसको जिसकी चीजें चेंज नहीं होती चाहे कुछ भी हो जाए है ना, तो वो कहलाती है एब्सोल्यूट। ठीक है बेटा, तो जैसा कि मैंने मोशन या रेस्ट को डिफाइन किया तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक रेफरेंस ले रहे हैं और उसके कंपैरिजन में देख रहे हैं, और कंपैरिजन जहां होता है वहां पर रिलेटिव चीजें आती है, हम रिलेट करके देख रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि मोशन या रेस्ट कैसी चीज है, एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? मोशन में है कोई बॉडी या रेस्ट में है, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है बच्चों? तो नोट करके लिख लेंगे आप, नोट करके आप लिख लेंगे मोशन और रेस्ट इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव क्या होता है या एब्सोल्यूट क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आए। इसको और एक बेहतर ढंग से समझ सकते हैं विद
अनदर एग्जाम्पल, सपोज बच्चों मैं बोलता हूं कि कोई बच्चा है वो अपने मदर या फादर यानी पेरेंट्स के साथ एक ट्रेन में बैठ करके ट्रेवल कर रहा है। ट्रेन किसी स्टेशन पर लगी हुई है, ठीक है, आप एक सीट पर बैठे हो और आपका जो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर वो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई है, बाहर कोई एक सपोज चाय वाला है या कोई क्या बोलते हैं शॉप वाला है, ठीक है, वो अपनी जगह पर बैठ के आपकी ट्रेन को देख रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ट्रेन चल पड़ी, जब ट्रेन चलने लगेगी और वो शॉप वाला जब आपके पेरेंट्स को देखेगा तो उस शॉप वाले को आपके पेरेंट्स मोशन में दिखेंगे या रेस्ट में दिखेंगे, तो ऑब्वियसली वो मोशन में दिखेंगे क्योंकि होल ट्रेन एज वेल एज है ना आपके पेरेंट्स क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मोशन में है। आ रही बात समझ में? तो उस बुक शॉप या कोई भी शॉप वाले के रिस्पेक्ट में आपके पेरेंट्स क्या हुए, मोशन में हुए। लेकिन आप खुद ट्रेन में बैठे हुए हो, आपके पेरेंट्स भी ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, आप अगर अपने पेरेंट्स को देखोगे तो आपको क्या नजर आएंगे, वो आपके रिस्पेक्ट में पेरेंट्स क्या है, तो बेटा वो वही के वही है ना, ट्रेन में, उसी ट्रेन में आपसे उतनी ही दूरी पर अभी भी है, ठीक है। तो बेटा आपके रिस्पेक्ट में आपके पेरेंट्स क्या दिख रहे हैं, रेस्ट में नजर आ रहे हैं। आपको वही पेरेंट्स, एक ही पेरेंट्स है ना भाई, एक ही ऑब्जेक्ट हुआ, सेम पेरेंट्स, जब कोई बुक शॉप वाला या कोई शॉप वाला देख रहा है तो उसको मोशन में नजर आ रहा है और आपको वही चीज क्या दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है। तो सेम बॉडी है ना, रेस्ट में हो सकता है, मोशन में हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसको देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर कौन है, किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। आ रही बात समझ में? इसलिए ये एक रिलेटिव चीज होता है ना, एब्सोल्यूट होता तो रेस्ट होता तो सबके लिए रेस्ट में होता और मोशन में होता तो सबके लिए मोशन में होता, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है, कौन देख रहा है इस बात पर डिपेंड करता है। अगर हम अपने घर में बैठे हैं और अपनी दीवारों को देख रहे हैं तो दीवार क्या है बेटा, रेस्ट में है। लेकिन अगर हम मान लो हमारी किस्मत इतनी अच्छी हो कि हम चले जाएं कहां पर, मून पर, और मून पर से हमारे अर्थ को देखें तो क्या नजर आएगा बेटा, तो होल अर्थ इज रिवॉल्विंग ना, उस अर्थ के साथ साथ आपका घर भी रिवॉल्व हो रहा है और घर की वॉल भी रिवॉल्व हो रही है, तो आपकी रिस्पेक्ट मून के रिस्पेक्ट में हमारा जो वॉल है वो क्या हो गया, मोशन में हो गया, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिलेटिव चीज है, ये मेरा समझाना आपको मकसद था, ठीक है। तो मोशन या रेस्ट जो है वो रिलेटिव क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, आपको रिलेशन में देखना पड़ता है, रिलेट करके देखना पड़ता है, ठीक है। तो चाहे मोशन मैंने डिफाइन किया, चाहे मैंने रेस्ट डिफाइन किया, हमने एक वर्ड यूज किया, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। क्या यूज किया बेटा, रेफरेंस पॉइंट। तो क्या है ये रेफरेंस, ठीक है बेटा। तो देखो हम लोग यूज करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आ रही बात समझ में? ओके, व्हाट वी आर यूजिंग हियर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई बॉडी हो सकता है जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो बच्चों, जैसे कि मान लो आप कभी अपने घर का एड्रेस बताते हो, ठीक है बेटा, आप अपने अगर किस घर का एड्रेस बताते हो तो आप हमेशा कोई ना कोई एक ये यूज करते हो, क्या बोले उसको, कोई फेमस जगह यूज करते हो, जैसे कि भाई मैं बोल सकता हूं कि मेरा घर जो है बस स्टैंड के पीछे है, ठीक है। तो हमको मतलब किससे है, मेरे घर से है या बस स्टैंड से है, घर से है, बट बस स्टैंड मैंने क्यों मेंशन किया, क्यों कि बस स्टैंड पॉपुलर है, ठीक है, बस स्टैंड ज्यादा लोग जानते हैं, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा तो चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो मैं अगर बोलता हूं कि मेरा घर बस स्टैंड के पीछे 5 मीटर की दूरी पर है तो आप एग्जैक्टली पहुंच जाओगे, आसानी से पहुंच जाओगे, ठीक है। तो हमने बस स्टैंड का क्या लिया, रेफरेंस लिया, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं कि भाई पोस्ट ऑफिस के सामने है ना, हमारा घर पोस्ट ऑफिस के फ्रंट में है,
आसान हो गया। तो पोस्ट ऑफिस क्या हुआ? रेफरेंस। तो इसी प्रकार से जिसके रिस्पेक्ट में आप मोशन को स्टडी करते हो वो क्या हो जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ध्यान से समझे बेटा, अ प्लेस, थिंग, ठीक है, और ऑब्जेक्ट या बॉडी बोल लो, अ प्लेस, थिंग और बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू विच मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टडीड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सारी बात समझ में बेटा? इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जनरली हम लोग फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। जनरली इन फिजिक्स वी यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम एज रेफरेंस फ्रेम एंड इट्स ओरिजिन एज रेफरेंस पॉइंट। ठीक है बेटा, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये, ठीक है, एक्स वाई जेड, और ये क्या हुआ? ओरिजिन। तो ओरिजिन को हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस और इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पूरे सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर यूज किया करते हैं। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आगे चल करके हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं बेटा। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक को बोलते हैं बेटा हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एक को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट मीन्स कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, कितने बेटा? दो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा हम लोग लेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये दो चीजें अपने को पढ़नी होती है। ठीक है, दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना है। ठीक है, ये आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप समझ गए। तो हम जो भी मोशन को स्टडी करेंगे हमारे लिए एक फ्रेम होगा, है ना, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करेंगे उसको। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट बॉडी। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम जो कोई भी चीज पढ़ेंगे, चाहे वो कार हो, बाइक हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो इनकी साइज क्या होती है? काफी बड़ी होती है। अगर एक ट्रेन ले तो काफी बड़ी होती भाई, कुछ कुछ ट्रेन तो एक एक किलोमीटर लंबे होते हैं। अगर मैं उसको पॉइंट बोलूं, है ना, उसको अगर मैं पॉइंट बोलूं तो आपको हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा कि सर ये आप ट्रेन को कैसे आप एक पॉइंट बोल रहे हो, एक बाइक को कैसे आप पॉइंट बोल रहे हो, एक ट्रक को आप कैसे पॉइंट बोल रहे हो, एक कार को कैसे आप पॉइंट बोल रहे हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है, आ रही बात समझ में? उसको हम पॉइंट तो नहीं बोल सकते बट फिर भी पॉइंट कंसिडर करेंगे इस होल चैप्टर में। ठीक है, पूरे काइनामेटिक्स में कोई भी बॉडी होगी हम उसको एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। फिजिक्स हमको ये चीज अलाउ करता है कि आप किसी चीज को पॉइंट मान सकते हो, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है बेटा? कि उसकी जो साइज है, अगर बॉडी की साइज, है ना, निग्लिजिबल हो उसके क्या बोलते हैं, डिस्टेंसेस के रिस्पेक्ट में, अगर उसकी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उसका, है ना, वो जो डिस्टेंस चला है, जैसे कि मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन भले बहुत लंबी होती है, एक किलोमीटर लंबी होती है,
लेकिन वो ट्रेन बहुत लंबी लंबी दूरी चलती है कि नहीं बेटा। यहां से मान लो कहां जाता है भाई, मुंबई चला जाता है या फिर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली भाई 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर दूर है। अब 1200 किलोमीटर की तुलना में है ना, 1200 किलोमीटर की तुलना में 100 मीटर 200 मीटर कुछ भी नहीं है, इग्नोर कर सकते हो। उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हो, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। तो हम बड़ी से बड़ी चीजों को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं अगर उसकी साइज यानी उसकी डायमेंशन है ना कम है, निग्लिजिबल है विथ रिस्पेक्ट टू उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंसेस से। क्लियर है? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ अ बॉडी कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट्स साइज इज निग्लिजिबल ठीक है, इफ इट्स साइज इज निग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू इट्स मूवमेंट ठीक है। मूवमेंट के रिस्पेक्ट में अगर इसकी साइज निग्लिजिबल हो, मतलब वो कितनी लेंथ चला उसके कंपैरिजन में उसकी साइज अगर बहुत छोटी है तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। आ रही बात समझ में बेटा? तो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा हम उसको पॉइंट की तरह लेकर के ट्रीट करेंगे, चाहे वो बस हो, कार हो, बाइक हो, साइकिल हो, कुछ भी हो। इस पूरे चैप्टर में आ रही बात समझ में? जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए क्या करना है वो हम फर्दर चैप्टर में देखेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके चलेंगे। आ रही बात समझ में? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया भाई क्या होता है, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैजेक्टरी। ओके बच्चों, ट्रैजेक्टरी क्या होता है? ट्रैजेक्टरी आप समझो, मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है चलना शुरू किया, वो चलकर चल रहा है, जैसे जैसे चल रहा है आप उसको ऑब्जर्व करते जाओ। मान लो ये यहां गया, इधर गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा है ना, इस तरीके से चलता हुआ यहां तक आया ठीक है। आ रही बात समझ में? तो बेटा ये जिस पाथ को ट्रेवल करते हुए गया ठीक है, जिस पाथ को ट्रेवल करते हुए गया उस पाथ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ट्रैजेक्टरी पाथ समझ में आया, पाथ बोल सकते हो, ट्रैजेक्टरी बोल सकते हो। तो व्हाट इज ट्रैजेक्टरी ठीक है बेटा? ट्रैजेक्टरी क्या हो गया? द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। आगे बात समझ में आपको? इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? तो ट्रैजेक्टरी यानी पाथ है ना, किसी भी तरीके का हो सकता है, स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है, सर्कुलर पाथ हो सकता है, कर्व्ड पाथ हो सकता है, हाइपरबोलिक पाथ हो सकता है, पैराबोलिक पाथ हो सकता है, किसी भी प्रकार का पाथ हो सकता है ठीक है बेटा। तो जैसा कि हमने बेसिक मैथमेटिक्स में आपको सिखाया था कि ऐसे है ना पाथ जो कि नोन होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, जैसे कि पैराबोला, जैसे कि हाइपरबोला, जैसे कि सर्कल, जैसे कि एलिप्स, इन सबका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना, इन सबका क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अगर वो उस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो हमें डायरेक्टली समझ में आता है कि इसका पाथ कैसा होने वाला है, इसका ट्रैजेक्टरी कैसा होने वाला है ठीक है। याद है आपको हर एक चीज का, जैसे कि स्ट्रेट लाइन का क्या होता था बेटा? y=mx + c है ना, इस तरीके की चीजें होती थी है ना। सर्कल के लिए क्या होता है? x² + y² = r². एलिप्स के लिए क्या होता था? y²a² + x²b² = 1 है ना, इस तरीके का होता था। y = 1/x है ना, ये किसके लिए होता था? हाइपरबोला के लिए है ना। y = x², ये किसके लिए होता था? पैराबोला के लिए। तो ऐसे अगर हमें इक्वेशंस दिखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसका ट्रैजेक्टरी कैसा होने वाला है, पाथ कैसा होने वाला है। आ रही बात समझ में? तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ठीक है बच्चों। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये देखते हैं। तो बच्चों जब कोई बॉडी
है ना, ये मान लो x एक्सिस है और ये मान लो y एक्सिस है ना, वो इस तरीके से चल रहा है सपोज। तो बेटा एक पर्टिकुलर जगह पर है ना उसके पास y भी होगा और उसके पास x भी होगा, ये y और ये x है ना, y भी होगा और x भी होगा। तो जैसे जैसे आप देखोगे कि y चेंज होता है, y चेंज हुआ तो x भी चेंज हो गया, y चेंज हुआ तो x भी चेंज हो गया, तो दिख रहा है कि y x के ऊपर क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। x जैसे चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, आ रही बात समझ में। तो जब अपन एक क्वांटिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरी क्वांटिटी देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक फंक्शन मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है बेटा, एक फंक्शन मिलता है। तो बच्चों इफ वी है ना हैव द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन y एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस ठीक है, इफ यू हैव द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन y एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस देन द फंक्शन सो ऑप्टेंड इस प्रकार से जो फंक्शन मिलेगा ऑप्टेंड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम लोग इसको, इक्वेशन ऑफ लोकस इक्वेशन, और एक नाम होता है इसका लोकस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इज कॉल्ड लोकस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आ रही बात समझ में बेटा, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, y को एज अ फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस कर देना है, जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। ओके, ठीक है बेटा। तो y That is y as a function of x, ऐसा है ना, ये हो गया equation of trajectory दे देगा आपको, क्या दे देगा बच्चों, ये आपको equation of trajectory दे देगा। हम एक example लेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, एक equation के example के थ्रू हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं, ठीक है, चलो सपोज ऐसा दिया कि if y equals to a sine omega t and x equal to a cos omega t, ठीक है, y x equals to क्या दे दिया, a cos omega t, then find equation of trajectory इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। तो क्या करेंगे देखें सॉल्यूशन, तो जैसा कि बच्चों दिख रहा है वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी एंड एक्स इक्वल्स टू क्या है बेटा, ए कॉस ओमेगा टी, इसको मान लिया इक्वेशन वन, इसको मान लिया इक्वेशन टू। हमको क्या करना है, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है बेटा, एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए अपने को। तो चलो क्या करूं, मैं स्क्वायरिंग और एडिंग कर देता हूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू को स्क्वायर करके एड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इधर हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इधर हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है बेटा। तो ए स्क्वायर हो गया कॉमन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, देखो बेटा ये किसके प्लेस पर है, थीटा, ये भी किसके प्लेस पर है, थीटा, तो दोनों क्या हो गया, थीटा सेम है, दोनों का थीटा क्या है, सेम है, तो ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला अपने को, ए स्क्वायर मिला।
अब देखो तो ये हुआ, यही हुआ हमारा क्या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। अब आपको अगर पूछे कि ये किस शेप का है, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो बच्चों याद करोगे ये किस चीज का इक्वेशन हुआ करता था। तो अगर आप अच्छे से याद करोगे बेटा तो ये सर्कल का इक्वेशन है। क्या है? ये सर्कल का इक्वेशन है। इसको कंपेयर कर सकते हो, सर्कल का इक्वेशन क्या हुआ करता था, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर। तो ये देखो कंपेयर हो गया, तो आर स्क्वायर किसके बराबर हुआ बेटा, ए स्क्वायर। तो आर बराबर क्या आया, ए। यानी उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, ए होगा। उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, ए होगा। यानी इसका अगर मैं ट्रेजेक्ट्री बनाऊंगा, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनाऊंगा तो इस तरीके का आएगा, है ना, वाई और एक्स। मतलब ये क्या कर रहा है बेटा, बॉडी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है ये बॉडी, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जब अपने को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता होता है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, ये चीजें हमें पता कर चलता है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो, जब भी आपको पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने बोले तो आपको आंख मूंद करके क्या करना है, वाई और एक्स के बीच में रिलेशन निकालना है। क्या करना है बच्चों, वाई और एक्स के बीच का रिलेशन निकालना है। आगे बात समझ में आपको, ओके। चाहो तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, चलो। एग्जांपल मान लो इफ एक्स इक्वल्स टू टी एंड वाई इक्वल्स टू टू टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा है। इफ एक्स इक्वल्स टू टी एंड वाई इक्वल्स टू टू टी स्क्वायर, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या करूंगा बताओ, क्या करूंगा ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने के लिए, तो अपने को एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में लाना है, ठीक है, बस यही हमारा है ना मोटो है। चलो तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो एक्स बराबर टी है और वाई बराबर क्या है बेटा, टू टी स्क्वायर है। आपको क्या चाहिए, वाई चाहिए विद इन द फॉर्म ऑफ एक्स, तो टी को रिप्लेस कर लो बेटा, टू टी के बदले क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर। तो देखो आ गया वाई और एक्स के रिलेशन में, वाई बराबर क्या हो गया बेटा, टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या दिख गया आपको, y बराबर टू एक्स स्क्वायर। तो बताओ ये तो इक्वेशन हो गया बेटा, क्या आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि पाथ कैसा होगा, तो ऑब्वियसली ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो देखो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री का शेप पता चल जाता है, ओके। और कैसे करना है, तो भाई वाई और एक्स के बीच में रिलेशन ढूंढना है, वाई और एक्स के बीच में आपको क्या करना है, बेसिकली रिलेशन ढूंढना है, यही आपका फंडा है, ओके बच्चों, आ रही बात समझ में। तो चलो हमने सीख लिया कि ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालना है, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालना है, ओके बच्चों। अब देखो जब भी कोई बॉडी है ना, जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा होता है तो वो एक पाथ को फॉलो करेगा, ये फैक्ट है ना। जब हम चलेंगे तो एक रास्ते पे चलेंगे ना, तो हम एक पाथ बनाएंगे, वो हमारा होगा पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ओके। अब हम उस पाथ पर कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना आगे चल रहे हैं, है ना, कितना लेंथ कवर कर रहे हैं, वो हमें देता है एक अनदर क्वांटिटी जिसको हम लोग कहते हैं बेटा डिस्टेंस, ठीक है। लेट्स सी डिस्टेंस, इसको और एक नाम से जान सकते हैं बेटा, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ। तो बचपन से हमने पढ़ा है बेटा इस चीज को, है ना, डिस्टेंस या लेंथ ऑफ पाथ क्या होता है, द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है, द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज नोन एज डिस्टेंस या पाथ लेंथ, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। चलो तो इसको डिफाइन करेंगे, दी टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ठीक है बेटा, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल
ठीक है बेटा, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है, इज नोन एज इट्स डिस्टेंस और लेंथ ऑफ पाथ। आई बात समझ में बेटा? तो आप जैसे जैसे चले हो, जिस पाथ को आपने ट्रेवल किया है, उन सारे पाथ्स को आप क्या कर लो बेटा, एड अप कर लो, तो वो आपको क्या दे देगा, टोटल पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस दे देगा, है ना, टोटल पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस दे देगा। क्लियर है बच्चों? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज इट्स डिस्टेंस और लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। तो इसको अक्सर हम लोग इट इज डिनोटेड बाय एक्स, ठीक है, जनरली हम लोग इसको एक्स से शो किया करेंगे। दूसरी चीज, ये एक स्केलर क्वांटिटी बेटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, एक एसआई यूनिट है ना बेटा, ये क्या है, लेंथ है तो ऑब्वियसली मीटर होगा, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। ये इतनी जानकारी हमें मिल गई। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज एल, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, एल हो जाएगा। अच्छे से समझ में आया, सारी चीजें हमने डिस्टेंस के बारे में समझ ली। ओके, अब सवाल उठता है कि हमें डिस्टेंस निकालना कैसे है, कैसे फाइंड करना है डिस्टेंस। तो जैसा कि ये डेफिनेशन कहता है कि आपको सारे लेंथ ऑफ पाथ को ऐड कर लेना है, हमको टोटल लेंथ ऑफ पाथ निकालना है। और लेंथ ऑफ पाथ यानी डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, बस सीधा सीधा एड अप होता है। वेक्टर के लिए अलग नियम होते, लेकिन स्केलर के लिए तो कोई अलग नियम नहीं है, उसको तो सिंपली एडिशन करना है। तो फॉर एग्जांपल लेकर के हम समझेंगे बेटा कि एक स्क्वायर फील्ड है, सपोज है ना 10 मीटर इसका लेंथ है ना 10 मीटर इसका लेंथ है, तो अगर कोई बंदा इसका एक चक्कर पूरा करता है ना, एक चक्कर पूरा करता है, और मुझसे पूछा जाता है कि बताओ डिस्टेंस क्या हुआ, ध्यान से समझें, डिस्टेंस क्या हुआ, तो बेटा आपने क्या किया, यहां से चलना शुरू किया, यहां तक चला तो 10 मीटर चला, यहां से यहां चला तो 10 मीटर चला, यहां से यहां चला 10 मीटर चला, यहां से यहां चला 10 मीटर चला, ठीक है, एक चक्कर आपने पूरा कर लिया। तो जैसा कि हमारा डेफिनेशन कहता है कि आपको सभी पाथ को लेंथ को ऐड कर लेना है, तो यहां से यहां तक भैया 10 मीटर हुआ, यहां से यहां तक 10 मीटर हुआ, 10 मीटर 10 मीटर, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, हाउ मच, 40 मीटर, ठीक है। तो इतना आपने क्या चल लिया बेटा, डिस्टेंस चल लिया। आगे कहानी समझ में आपको, इतना क्या चल लिया आपने, डिस्टेंस चल लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें कहा जाता बेटा, इसमें कहा जाता कि एक बंदा जो है यहां से चला और वर्टिकली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच गया, ए से चला बी को पहुंच गया, 10 मीटर का स्क्वायर है, तो इस बार क्या हुआ बेटा, आपने इस 10 मीटर को चला, फिर आपने इस 10 मीटर को चला, पहुंच गए यहां पे, तो 10 प्लस 10, इस बार आपका डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, ओनली 20 मीटर। तो आपने जितना भी पाथ ट्रेवल किया है, आपने जितना भी रास्ता तय किया है, उन रास्ते की कुल लंबाई को ही अपन क्या कहते हैं बेटा, डिस्टेंस कहते हैं। उस रास्ते की टोटल लंबाई को अपन क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर अब मान लो बेटा, मान लो आपको कहता है कि एक पाथ है सर्कुलर, है ना, और इसका रेडियस है बेटा 7 मीटर, इसका रेडियस है 7 मीटर, तो आपसे पूछा जाए कि भाई एक चक्कर पूरा करने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है बेटा, एक कंप्लीट साइकिल में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो आपको पता है बेटा चलोगे कैसे, ऐसे, ये कौन सी दूरी है बेटा, ये कौन सी दूरी है, उसका सर्कमफेरेंस है, तो इक्वल टू क्या होगा बेटा, उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, है ना, ये उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, सर्कमफेरेंस कितना होता है बेटा, तो 2πr, है ना, तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। अगर कभी बोलता है कि इसके कितने चक्कर लगाता है, वो n चक्कर लगाता है, कितने
कितने फेरे लगाता है वो एन चक्कर, तो फिर क्या करोगे उस एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला टाइप से आप यूज कर सकते हो कि अगर किसी सर्कुलर पाथ पर कोई बंदा एन चक्कर लगाता है तो उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो एन टाइम्स टू पाई आर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि 7 मीटर का रेडियस है, 2.5 चक्कर लगाया, 2.5 चक्कर लगाया, तो एन बराबर क्या हो गया बेटा 2.5, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2πr × 2.5 का मतलब क्या हो गया बेटा 5/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, πr × 5, तो 5 पाई कितना बेटा 22/7 × 7, 7 कैंसिल हो गया, 20 × 5 = 100, 2 × 5 = 10, 110 मीटर आपने चल लिया डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया वो है 110 मीटर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस को ट्रेवल करना है तो बेसिकली सिंपली आपको करना क्या है, आपको उसके टोटल डिस्टेंस यानी टोटल लेंथ ऑफ पाथ को ट्रेवल कर लेना है, मतलब मेजर कर लेना है और उनको आपस में एडअप कर देना है, आपको मिल जाएगा क्या टोटल लेंथ ऑफ पाथ। सर्कुलर पाथ पर आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो एन टाइम्स टू पाई आर कर देना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको अगर स्क्वायर पाथ पर चलना है तो आप क्या करोगे भाई, उसको एन टाइम्स है ना, अगर एक फुल साइकिल लगा रहा है तो उसका डायमीटर कितना होता है, सॉरी उसका सर्कम, सॉरी पेरीमीटर बोल सकते हैं ना, पेरीमीटर कितना होता है 4a, तो 4a हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालना, ओके। आज का जो लेक्चर है उसको हम लोग यही समाप्त करते हैं बच्चों, आज इंट्रोडक्टरी टाइप का था, कल हम लोग इसको और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आप आज के लेक्चर को थोड़ा अच्छे से देखिए और फिर कल के लेक्चर के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है, ओके बच्चों। तो ये हुआ हमारे मोशन का स्टार्ट, मोशन की शुरुआत की है हमने आज, है ना। काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए। प्लस आपके लिए एक वार्निंग भी है कि ये एक इतना बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है, जिसका आपको आने वाले पूरे फिजिक्स में लगभग यूज मिलेगा। अगर आपका मैकेनिक्स खराब हुआ तो आपका पूरा फिजिक्स खराब हो जाएगा। मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स में ये सारे चैप्टर्स आते हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, और आने वाले 3-4-5 चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे वो पूरे के पूरे मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। तो मैकेनिक्स, पूरे मैकेनिक्स का तो बेस है ही ये, प्लस आने वाले चैप्टर्स, कई सारे चैप्टर्स का भी ये बेस है, तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ओके बच्चों। तो इसको सीरियसली लेंगे, फर्स्ट क्लास से लेकर के लास्ट क्लास तक जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है उसको अच्छे से करने का, ओके बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ओके, कल मिलेंगे, बाय बाय।